नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 30 बाय 30 फीट का उत्तर मुखी घर का नक्शा लेकर आया हूँ और इसको वास्तु के अनुसार डिजाइन किया गया है। दोस्तों, ये जो नक्शा है यह गांव के अनुसार बनाया गया है और जो है इसमें क्या है, इसमें वेंटिलेशन का खास ध्यान रखा गया है और यह G+1 है, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर बनाया गया है। जिसने कमेंट्स किया था उनका एक कमेंट्स था कि उनको पार्किंग नहीं चाहिए, इसलिए इसमें पार्किंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो चलिए पहले मैं आपको ग्राउंड फ्लोर समझाता हूँ, फिर फर्स्ट फ्लोर बताऊँगा। ग्राउंड फ्लोर में सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ग्राउंड फ्लोर में सबसे पहले यहाँ पे एंट्रेंस दिया गया है जो कि लिविंग रूम से दिया गया है। तो जो लिविंग का साइज़ है वह 11 फिट 9 इंच बाय 9 फिट 9 इंच का, और यहाँ पर देखिए एक बेडरूम दिया गया है 12 बाय 9 फिट 9 इंच का, उसमें भी एक खूबसूरत बेड का लेआउट किया गया है। यहाँ पे कबोर्ड दिया गया है और यहाँ पे पूजा रूम है 4 बाय 6 फिट का जो कि नॉर्थ ईस्ट में बनाया गया है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो यह हॉल है, यहाँ पे अपना आर्च ओपनिंग आ जाएगा या नॉर्मल ओपनिंग, और हम आएंगे हॉल में। हॉल का साइज़ है 8 फिट बाय 16 फिट 6 इंच का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 8 फिट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 फिट 6 इंच है। इससे आगे बढ़ेंगे तो साउथ ईस्ट में किचन बनाया गया है 8 फिट 10 इंच का, और यह किचन प्लेटफॉर्म है और यह जो है यह गैस चूल्हा है। तो गैस चूल्हे का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जब हम भोजन बनाएं तो अपना फेस पूरब दिशा में हो, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक बाथरूम दिया गया है और यहाँ पर एक टॉयलेट है और यह मास्टर बेडरूम 12 बाय 12 फिट का, तो उसमें भी एक शानदार बेड का लेआउट किया गया है। तो एक लाइक तो बनता ही है, तो एक लाइक आप लोग जरूर करें। चलिए अभी फर्स्ट फ्लोर मैं आपको समझा देता हूँ। तो फर्स्ट फ्लोर में आते हैं तो यहाँ से स्टेयरकेस से होते हुए हम छत पर आ जाएंगे, और ये देखिए कि जो लिविंग रूम था और पूजा था उसको एज ए टेरेस हम लोग यूज कर रहे हैं, और जो नीचे बेडरूम था उसके ऊपर भी सेम बेडरूम दिया गया है, स्टेयर केस की जगह स्टेयर केस है। यह भी मास्टर बेडरूम सेम है, जो हॉल था उसको एज ए हॉल ही रखा गया है और बाकी सारा पोर्शन सेम है। आप चाहें तो किचन को छोटा सा बेडरूम बना सकते हैं, स्टोर रूम, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएँ, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इस प्लान को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत